बहुत बड़ी खबर का, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एनआईए की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, छापेमार कार्रवाई। एनआईए ने पुलवामा में छापेमार कार्रवाई की है। आतंकवाद से जुड़े मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दो जगहों सेथरगुंड और उगरकुंड में छापे पड़े हैं। वहीं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार को छापे मारे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलवामा जिले के दो स्थानों सेथरगुंड और उगरकुंड में छापे मारे गए हैं। कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम अजला में आज सुबह ही छापामारी अंजाम दी गई, और इस हवाले से अगर हम जिला कुलगाम की बात करें तो जिला कुलगाम के दो इलाकों में आज सुबह जो एनआईए की टीमें हैं वो रवाना हुई, और यहाँ पे जो है दो मकामात पे कार्रवाई अंजाम दी गई। यहाँ शुच इलाके में जो है उमर गनाई जो फॉर्मर केएल मिलिटेंट है उनके घर पे छापामारी अंजाम दी गई। उसके साथ साथ अगर हम कसवालन की बात करें तो कसवालन में भी दो मकामी शहरियों के घरों पे भी छापे मारे गए, और फिलहाल अभी जो है एनआईए इसमें तहकीकात कर रही है। इन दोनों मकामात पे जो है क्या जब्ती हुई है, किन लोगों को जो है अपनी तहवील में लिया गया है वो अभी देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ जो है इस हवाले से जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज ये जो सुबह कसवालन और शुच इलाके में कार्रवाई अंजाम दी है इसकी जो है तफसील आना बाकी है। और हम आपको बताएं कि ये छापामार कार्रवाइयाँ जो है माजी में भी अंजाम दी गई है जिला कुलगाम में। अगर हम एसआई की बात करें या फिर एनआईए की बात करें तो मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से जो है ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है, चाहे वो मिलिटेंसी रिलेटेड हैं या फिर नार्को टेररिज्म रिलेटेड हैं, तो इन मामलात में जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है अंजाम दी जा रही है। और साथ में हम आपको बताएं कि अभी एनआईए का प्रेस रिलीज जो है वो आना बाकी है, उसमें क्या डिटेल्स होंगी वो भी देखना अभी बाकी है। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लापता सेना का जवान मिल चुका है। कुलगाम से ये जवान लापता हुआ था। कश्मीर एडीजीपी की ओर से ये बयान सामने आए हैं, मेडिकल के बाद पूछताछ की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से हफ्ते दिन पहले सेना का एक जवान लापता हुआ था, जो अब मिल गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। लद्दाख में तैनात जावेद अहमद वानी शनिवार को अपने पैतृक स्थान कुलगाम जिले से उस समय लापता हो गया जब वो छुट्टी पर आए हुए थे। कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी विजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा, सेना के लापता जवान को कुलगाम पुलिस ने ढूंढ लिया है। मेडिकल जांच के तुरंत बाद संयुक्त रूप से पूछताछ शुरू होगी, आगे की जानकारी दी जाएगी। पुलिस के वाणी के लापता होने के संदर्भ में पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी थी गई थी, लेकिन आशंका थी कि आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया। बता दें कि छुट्टी पर आए जावेद शाम को बाजार के लिए निकले थे और उसी दौरान से वो लापता हो गए थे। उनकी कार में खून के निशान और उनकी एक चप्पल भी मिली थी। उनके परिवार ने उनके अपहरण की आशंका जताई थी। तो लापता जवान को बरामद कर लिया गया है, अब जवान से पूछताछ की जाएगी। हम फौज के, पुलिस के, ट्रांसपोर्ट के एसपी साहब के, डीसी साहब के, एसएसपी साहब के, खास कर मीडिया के बहुत बहुत शुक्रगुजार है, जिनकी अंत तक कोशिश से हम इस मसले में कामयाब हुए। रुकर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में भारी बारिश हुई है। लैंडस्लाइड में 2 से 3 मकाने बह गई, कई के हताहत होने की भी सूचना है। देर रात से ही लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जो कहर बनकर बारिश बरप रही है। 7 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को सतर्क भी किया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात से ही भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। 2 से 3 जो दुकान थे वो इसकी जद में आए और कई लोगों के हताहत होने की भी खबर है। गुरुवार देर रात से ही भारी बारिश हो रही है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कहर बरपा है। गौरीकुंड में लैंडस्लाइड की वजह से 2 से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। मिल रही जानकारी के मुताबिक मलबे में 10 से 12 लोगों के
हताहत होने की भी सूचना है। पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। मौके पर जिला प्रशासन की टीम के साथ ही आपदा प्रबंधन और SDRF के साथ साथ DDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं। देर रात से ही लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से डाक पुलिया के सामने लैंडस्लाइड की घटना हुई, जिसकी चपेट में आकर 2 से 3 दुकानें बह गईं और इस हादसे में 10 से 12 लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के 7 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली में तेज बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने सभी जिलों को एडवाइजरी भेजकर सतर्क रहने को भी कहा है। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, विद्याधर नगर सीकर में फायरिंग का मामला और इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। जयपुर ग्रामीण पुलिस के हत्थे 2 बदमाश चढ़े हैं। राकेश लिसाड़िया गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बदमाश टिंकू और राजू को पुलिस ने पकड़ लिया है। 30 जुलाई को ज्वेलर पर फायरिंग की गई थी। सीकर के श्री माधोपुर में भी गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लिसाड़िया गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस को तलाश है राकेश लिसाड़िया की। इन दोनों से पूछताछ किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही राकेश लिसाड़िया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। कई वारदातों में ये गैंग लिप्त था। कई जगह पर फायरिंग और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, तभी से लगातार तलाश की जा रही थी और अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उन 2 बदमाशों की जो लूटपाट और फायरिंग में शामिल थे। राकेश लिसाड़िया का नाम भी सामने आ रहा है इस लूटपाट में और इसे लेकर अब लगातार पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। 30 जुलाई को ज्वेलर की शॉप पर फायरिंग की गई थी। सीकर के श्री माधोपुर में भी इन्होंने गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था। तो गैंग से जुड़े बाकी बदमाशों की अभी भी तलाश की जा रही। कई लोग इस गैंग से जुड़े हुए हैं जिसमें राकेश लिसाड़िया लीडर है और इसकी भी तलाश की जा रही है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राकेश लिसाड़िया गैंग के 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। कई जगहों पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, कई जगहों पर लूटपाट में शामिल तो कई जगहों पर फायरिंग और गोलीबारी की घटना में भी इनके नाम बताए जा रहे हैं। दर्जनों केस इन सभी के खिलाफ दर्ज हैं और लगातार पुलिस को इन सभी की तलाश भी थी और अब 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कैसे मिली ये सफलता और बाकी बदमाशों की जल्द से जल्द तलाश कर ली जाए, इसे लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से? देखिए, राजधानी जयपुर में 30 जुलाई की शाम को विद्याधर नगर इलाके में ज्वेलर नवीन सोनी के घर में घुसकर के यानी 5 मंजिल अपार्टमेंट के एक फ्लैट में घुसकर के 2 बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें गोली लगने से नवीन सोनी घायल हो गए थे और इसी के बाद उसी रात को इन्हीं बदमाश इसी गैंग के बदमाशों ने सीकर जिले के श्री माधोपुर में फुटोला यानी वहां के भूतपूर्व जो सरपंच है उसके पति ओम प्रकाश यादव को गोली मारी और उसके बाद जो जयपुर जिले की पुलिस है, सीकर जिले की पुलिस है, वो उन बदमाशों की तलाश कर रही थी। इसी बीच जयपुर ग्रामीण की पुलिस के चंदौली थाना को एक बड़ी सफलता मिली, जिन्होंने इस फायरिंग करने वाली गैंग के 2 बदमाशों टिंकू उर्फ देवा मीणा, राजू शर्मा उर्फ RDS उनको चंदवाजी इलाके में अचरोल से गिरफ्तार किया। कल देर रात को पुलिस को भनक लगी इस फायरिंग करने वाली गैंग के 2 बदमाश अचरोल इलाके में मौजूद है और उसके बाद में SP डॉक्टर राजीव पचार के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें प्रोबेशनर IPS मनीष कुमार और उनकी टीम ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा। अब इसी गैंग के दोनों जो बाकी फरार चल रहे बदमाश हैं उनकी तलाश में जयपुर ग्रामीण की पुलिस जो जुटी हुई है और माना जा रहा है कि जो मुख्य जो मास्टरमाइंड है जो इस गैंग के सरगना है वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। तो बड़ी सफलता जयपुर ग्रामीण की पुलिस को मिली है, जिन्होंने जयपुर ग्रामीण, जयपुर जिले और जयपुर कमिश्नरेट सीकर जिले के वांटेड बदमाशों को कल धर दबोचा है और पूरे मामले में मॉनिटरिंग जो अब CO जमुआ रामगढ़ शिव कुमार भारद्वाज कर रहे हैं। जी, राकेश लिसाड़िया कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है विष्णु?
देखिए बिल्कुल उसके बारे में भी पुलिसकर्मियों का कहना है कि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि गैंग के जो मास्टरमाइंड का भी तलाश की जा रही है, उसके बाद जल्द से जल्द इन दोनों बदमाशों से पूछताछ के बाद राकेश कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से कि जल्द से जल्द सभी बदमाशों की गिरफ्तारी हो सके। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, स्टूडेंट सुसाइड मामले में परिजनों का शव उठाने से इंकार सामने आया है। हत्या का मामला और कार्रवाई की मांग की जा रही है परिजनों की ओर से। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुआ है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बताते चले उनका प्रदेश का दौरा है बेहद महत्वपूर्ण। करौली दौसा जिले की बैठक अरुण सिंह लेंगे 6 अगस्त को। आज अलवर में जिला समन्वय कमेटी की बैठक करेंगे। कल भरतपुर धौलपुर में जिला समन्वय कमेटी की बैठक अरुण सिंह लेंगे, तो बेहद महत्वपूर्ण अरुण सिंह का दौरा। राजस्थान के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे हुए हैं। भव्य स्वागत किया जा रहा है कार्यकर्ताओं की ओर से और कई खास बैठकें भी करेंगे। मिशन 2023 को लेकर ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां पर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी, साथ ही साथ कई लोगों के साथ चर्चाएं की जाएंगी और इसके साथ साथ फीडबैक भी लिया जाएगा। तो 6 अगस्त को करौली दौसा जिले की बैठक अरुण सिंह लेंगे और इसके साथ साथ कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक है अलवर में। सौरभ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ पहुंच चुके हैं अरुण सिंह, अब आगे कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए आज अलवर में जो है वो अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी है, जो जिला समन्वय की बैठक जो है वो लेंगे। अलवर में ही जो है वो एक शहर और उत्तर की जो है वो बैठक है, उसके बाद कल जो है वो भरतपुर धौलपुर की बैठक जो है वो ली जाएगी और उसके बाद दौसा करौली की बैठक जो है वो 6 अगस्त को लेंगे। यानी 3 दिन के दौरे पर आज से राजस्थान दौरे पर जो है वो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आ रहे हैं और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। और ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण भी है सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, स्टूडेंट सुसाइड मामले में परिजनों ने शव उठाने से इंकार कर दिया है। हत्या का मामला और कार्रवाई की मांग की जा रही है। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। छात्र के मुंह और हाथ पॉलिथीन से बंधे हुए मिले थे। छात्र के पास से सुसाइड नोट भी मिला था। तो अब इस मामले को हत्या माना जा रहा है। परिजन शव उठाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही वो स्ट्रेस में था जिसकी वजह से वो आत्महत्या करे। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, NH21 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दौसा में पुलिस लाइन चौराहे पर दो बसों की आपस में टक्कर हुई। हादसे में दोनों बसों में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें हादसे के बाद की आप देख सकते हैं, जहां पर बस की स्थिति भी खराब है। तो अंदाजा लगाइए जो यात्री बस के अंदर बैठे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी। सिंधी गेम से बस चल के आ रही थी, ये दौसा के थोड़ा सा ही बाईपास उतरते ही ये पीछे लोक परिवहन बस थी, जो कि इसने पीछे से आके मारी ड्राइवर साइड से। इसमें काफी लोगों की लगी भी है, जो कि सबसे ज्यादा इन्हीं की जो पीछे से बस जिसने दी उसमें ही ज्यादा यात्रियों की लगी हुई है। और अपनी भी बस में जो थे 2-4 लोग थे, जो कि सबको भेज दिया गया है एम्बुलेंस में। बाकी सब ठीक है, किसी की ज्यादा चोट नहीं लगी है। पुलिस लाइन के कट से थोड़ा पहले हाईवे रोड पर एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, उसका तुरंत पुलिस थाना कोतवाली का जाता तुरंत मौके पहुंचा और पहुंचने के बाद में जो प्राइवेट बस और रोडवेज बस दोनों में मजरूम हुए थे करीब 1.5 दर्जन के लगभग, उनको 108 से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवा दिया है और उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फॉर हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रानी, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूह फरीदाबाद पलवल गुरुग्राम में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एनजीटी ने अवैध रेत खनन, ओवरलोडेड ट्रकों को अवैध रूप से चलवाने के आरोपों को जांच के लिए संयुक्त कमेटी का आदेश दिया है। एनजीटी ने कमेटी का 7 नवंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग और छीनका में पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़क अवरुद्ध हो गया है। इस बात की जानकारी चमोली पुलिस की ओर से दी गई। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा।